है गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले एनर्जी यानी पैंडोर के ओरिजिन के बारे में गाइस। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो भाई एनर्जी के ओरिजिन की शुरुआत होती है उसके प्लैनेट प्राइपाटोस से भाई। जो एनर्जी की स्पीशीज का नाम है उनका नाम है प्राइपाटोस भाई। और भाई जो उनमें से एक प्राइपाटोस था भाई पैंडोर भाई। तभी भाई एक दिन भाई एक एग्रीगोर आता है भाई और भाई उनके प्लैनेट पे हमला कर देता है। मतलब वहां पे एक जो है पैंडोर को ले जाता है भाई बाकी चार एलियंस के पास भाई। और भाई तभी भाई जो पांचों एलियंस थे वो एग्रीगोर के जेल से जो है भाग जाते हैं और अर्थ पे आ जाते हैं। वहीं पे जो पैंडोर वो एक सूट में कैद था भाई, इसलिए उसको जो है खाना खाने के लिए जो है सूट से बाहर निकलना था भाई। और भाई तभी भाई केविन जो है गलती से जो है प्राय जो एनर्जी का पैंडोर का सूट है वो निकाल लेता है भाई और पैंडोर आजाद हो जाता है। और भाई उसके बाद जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने लग जाता है पर बेन से। और भाई जो बेन है उससे लड़के उसे हरा देता है। तभी जो बेन है उसका डीएनए कैप्चर कर लेता है अल्टीमेट रिक्स में भाई। उसके बाद जो अल्टीम जो पैंडोर था यानी एनर्जी वो में जो है अल्टीमेट रिक्स में कैद हो गया था भाई, मतलब कैप्चर हो गया था भाई। और फिर हमें एनर्जी काफी बार देखने को मिला भाई। और भाई ऑमनियस ने उसका डिजाइन पूरी तरह चेंज कर दिया, मतलब पूरी तरह से नहीं मतलब थोड़ा हल्का सा चेंज करा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। और वो जो है अपने सूट से जो एनर्जी बीम निकाल सकता है, जब वो फुल फॉर्म में आता है तो बड़े से बड़ी एनर्जी को भी खा सकता है, वो एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, वो बॉडी को अपनी जो रेडिएशन से जो है गर्म कर सकता है भाई, वो लावा को इरप्ट कर सकता है भाई, वो जमीन से आग निकाल सकता है लावा निकाल सकता है भाई। और उस पर जो है आग का असर नहीं होता है और उसकी कुछ वीकनेस भी है जैसे आइस में कैद होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। और भाई वो जो है काफ़ी भारी भी होता है भाई और वो काफ़ी ज़्यादा उसके पास इतना भी स्टैमिना नहीं होता और उसकी स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट है। तो बस भाई आज की वीडियो इतनी ही, मिलता है आपसे में 20 साल एनर्जी। Energy is G-O-O-D.